हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू महादेव की ज्योति। जैसे कि आप मुझे और सभी को पता है कि दिवाली आ रही है और दिवालियों पे हम सफाई करते हैं तो सबसे पहले पुराने कपड़ों या फिर कतरन को फेंकते हैं। पर इनको फेंकना नहीं है, इनका बहुत ही काम की चीज़ हम बनाएंगे इस वीडियो में। पर इससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना होगा और अपना प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि कौन कौन इन वीडियो को देख रहा है और उनका क्या क्या नाम है। तो आइए देख लेते हैं हमारा आज का रीयूज़, हम इन छोटे पुराने कपड़ों से क्या कर रहे हैं। तो आपके पास इस तरह के साड़ी के फॉल साड़ी के ब्लाउज वगैरह पड़े ही रहते हैं, क्योंकि इनको हम स्टिच नहीं करवाते हैं, क्योंकि आजकल सिलाई इतनी महंगी हो गई है कि हर कैसे ही ब्लाउज़ को हम सिलवाई नहीं करते। तो आपके पास अगर ये ब्लाउज़ पीस नहीं है तो आप अपनी पुरानी साड़ी दुपट्टा भी ले सकते हो, पर मेरे पास ये ब्लाउज़ की पीस पड़े थे इसलिए इनको ले लिया है। आपके पास भी हो तो आप भी ले लीजिए, या फिर आप किसी भी कपड़े से इस चीज़ को बना, जैसे कि आपकी पुरानी साड़ी दुपट्टा या फिर आप टी शर्ट से भी बना सकते हो, क्योंकि इससे बनने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने इसको साड़ी कपड़े से बनाया है, रिजेक्ट कपड़े से बनाया है। तो देखिए, इस तरह से आपको 4 इंच की लंबी पट्टी काट लेनी होगी। जितना आपका लंबा दुपट्टा या साड़ी है उतनी लंबी आप इस तरह से पट्टी कट कर लीजिए 4 इंच की, और बनने के बाद ये इतनी ब्यूटीफुल चीज़ बनेगी कि आप देख के मतलब चौंक ही जाओगे। क्योंकि हम मार्केट से इतने महंगे चीज़ लाते हैं तब भी ये वाला लुक उनका नहीं होता, क्योंकि जो डिज़ाइन वो हमें मार्केट में नहीं मिलती, और मिलती भी है तो बहुत महंगी मिलती है। तो क्यों इस बेकार की चीज़ों मतलब इतनी मतलब जो चीज़ हम घर पे बना सकते हैं उनके लिए पैसा क्यों लगाना, हम किसी और चीज़ में पैसा लगाएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। तो देखिए, इस तरह से आपको स्ट्रिप कट कर लेनी है। बातों ही बातों में हमारी कट हो गई है, इसको बराबर से आपको कट करना है, ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं कट करना है, वरना आगे जाके ये दिक्कत देगा। बस आपको इस तरह से जितना भी आपको पास पुरानी साड़ी कलरफुल है तो आप कलरफुल 2-3 कलर की ले सकते हो, जितने आपके पास छोटे छोटे कपड़े या बड़े बड़े प्रिंट्स हैं बस उनको ले लीजिए। और ये देखिए, मैंने मोमबत्ती जलाई, ये बुझ गई है। तो आपको क्या करना है, मोमबत्ती लेना है और हल्का हल्का इनको पिघला लेना है, जिससे इनके धागे नहीं निकलेंगे। बस आपको सीधी सिलाई चला लेनी है और इस तरह की फ्रिल बना लेनी है। फ्रिल बनाने के लिए आपको या तो फिर मशीन की सुई में सुई डाल दीजिए, मशीन में वहाँ पर जहाँ सिलाई करते हैं उसकी दांती के पास, या फिर आप क्या कीजिए कि सीधी सिलाई लगा लीजिए और हल्का हल्का उसको खींच दीजिए। मैं आगे आपको बता दूंगी मैंने कैसे करके ये फ्रिल बनाई है, और जितना कलरफुल आपका कपड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी ये चीज़ बनके रेडी होगी। तो देखिए, इस तरह की प्रिल मैंने 2-3-4 बना ली है। आपके पास जैसा भी कपड़ा हो आप उससे बना लीजिए। और फिर मैंने ये लिया है एक बैग लिया है, आप चाहें तो इसे राइस बैग भी ले सकते हो, या फिर जो आटों में बोरियां आती है वो भी ले सकते हो। इसको मैंने बीच से यूज़ कर लिया है, क्योंकि ये बहुत ही यूज़ हो जाता है, किसी भी चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आधा मैंने दूसरी वीडियो में यूज़ किया था, जो कि मैंने पैरदान बनाया था, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। और आगे और भी सारी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप चैनल विजिट करके सारी वीडियो प्लीज़ देख लीजिए, जिससे आपको हेल्प मिल जाए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने के लिए। तो देखिए, मैंने इस तरह का इसका चौकोर जो कपड़ा था उसको इस तरह से सर्कल में कट करना है। तो सर्कल के लिए मैंने पहले कोई मार्क नहीं किया है, बस सीधे से इस तरह से कट कर दिया है, और इसको इस तरह से मोड़ेंगे तो एकदम बिल्कुल बिल्कुल एकदम अच्छा सा सर्कल कट कर जाएगा। बस आपको कोई भी मार्क करने की ज़रूरत नहीं होगी, इस तरह से आपको इस पर प्रेस करके इस तरह से जैसे इसके आकार से आपको काट देना है। बहुत ही आसान है ये चीज़ बनाने, जितना आसान है उतना ही प्यारा लगने वाला है। तो देखिए, इस तरह से आपको एक सर्कल कट कर लेना है, जिसमें हमको कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से फोल्ड कीजिए और डबल 4 बार फोल्ड करोगे तो देखिए कितना बिल्कुल एकदम बराबर से हमारा सर्कल बनके रेडी हो गया। अब आप इस तरह से ऋतिक रोशन वाली साइड बनाइए या फिर वाइट साइड बनाइए, किसी भी साइड, ये आपकी मर्ज़ी है। और बस इसको सीधा रखकर जो हमने प्रिल बनाई थी वो मैं आपको बता देती हूँ, आपने सीधी मशीन चला लेनी है बीच से कपड़े पे, और फिर बस इस तरह से सिलाई को खींच देना है, तो ये आसानी से आपकी प्रिल बन जाएगी। ये प्रिल आप किसी भी चीज़ में बना सकते हो, ब्लाउज़ में लगा सकते हो, ये प्रिल बनाना बहुत ही आसान होता है इस तरह से। तो देखिए, आप बस ये वाला हमने कलरफुल कपड़ा लिया है, इसके बाद मतलब जो प्रिल ली है, और अब आप इसको बीचों बीच रखेंगे। पहले तो हम ये इधर उधर हो रही है उसको ठीक करके, और बस इस तरह से इसको सेट करते जाएंगे, सीधी रखते जाएंगे और इस पे मशीन चलाते जाएंगे। आप हाथ से टक करना चाहते हो सुई धागा रख लीजिए, और बस इस तरह से इसमें अच्छे से सेट करते जाइए और सुई धागा से धागा मारते जाइए, सुई मारते जाइए, जिससे ये मतलब सिक्योर हो जाएगा। और आप देखिए, दूसरे कलर की ले लिए, जिससे और भी अच्छा इसका लुक आ जाए। और आप ज़रूरी नहीं है इसे आप कपड़े के साड़ी के कपड़े से ही बनाओ, आप इसे टी शर्ट कुर्ती या कुछ भी जो भी आप
आपके पास बहुत अच्छा कपड़ा रखा है उससे बना लीजिए, या आपके पास बहुत सारी कतरन पड़ी है तो लंबी लंबी जोड़ लीजिए। इसके बाद फ्रिल बना के उससे बना लीजिए। और ये बनने के बाद जब हम स्टिच करेंगे ना, जब इसका इतना प्यारा लुक आएगा कोई ये बता नहीं पाएगा कि यह आपने कतरन या फिर बचे हुए कपड़े से बनाए, बिल्कुल एकदम मार्केट की तरह लगने वाला है। और अगर आप इसे मेन डोर पे पटकते हो ना, तो आपके जो भी मतलब फ्रेंड वगैरह आएंगे तो वो आपकी तारीफ़ें शुरू कर देंगे घर में आने से पहले ही। तो बस आपको इसको मेन डोर पे डालना है। पैरदान इसे बना रहे हैं तो पैरदान की तरह ही आप इसको डोरमेट की तरह यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इसे आसन की तरह यूज़ कर, या आप इसमें एक हैंडल अटैच कर लीजिए जिससे आप इसे दीवार पर टांग सको। ये डेकोरेटेड आइटम की तरह भी बहुत ही प्यारा लगेगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब हम इसे पैर पोंछ के बनाएंगे बताएंगे। पैर पोंछने में ये बहुत ही सॉफ्ट लग रहा था, आपके बच्चे से सोकन सोक मतलब पैर पोंछेंगे। और देखिए इतना प्यारा लग रहा है, आप इसे डेकोरेट भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। आप कमेंट करके बता सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी।